रश्मि और अमर लॉकडाउन के चलते डेटिंग ऐप पर मिलते हैं उसी बीच उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन जाती है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं बस लॉकडाउन खत्म होते ही चटम उससे पहले घर में बात तो कर लो अरे माँ पापा कभी मना नहीं करेंगे अमर की बात सुन रश्मि खुश हो जाती है ऐसे ही दिन बीतते हैं और देखते ही देखते लॉकडाउन खुल जाता है जिसके अगले ही दिन अमर अपने परिवार के साथ रिश्ता लेकर रश्मि के घर पहुंच जाता है अभी लॉकडाउन खुला ही है और कोरोना तो खत्म भी नहीं हुआ इसलिए ज्यादा कुछ ना करके अगले कुछ दिनों में छोटे फंक्शन के साथ शादी कर लेते हैं अमर के पापा की बात पर सब सहमत हो जाते हैं कुछ दिन बाद दोनों की शादी हो जाती है और रश्मि अपने ससुराल पहुंच जाती है बेटा शादी तो तूने अपनी मर्जी से कर ली लेकिन बहू को बोल देना इस घर में हुक्म मेरा ही चलेगा इसलिए अपना राज जमाने की कोशिश भी ना करें मां रश्मि को यहां सिर्फ प्यार आशीर्वाद और अपनापन चाहिए पैसा या राज नहीं बेटी की बात पर सास मुंह बनाए वहां से चली जाती है और अब वो हर रोज रश्मि को परेशान करना और ताने देना शुरू कर देती है देखो ये है आजकल की लड़की इंटरनेट पर लड़कों से बातें करते हुए इन्हें शर्म भी नहीं आती और यहाँ तो देखो कितनी सीधी सुशील बनकर दिखा रही है मम्मी शादी के रिश्ते वाले इंटरनेट ऐप से जब किसी को कोई दिक्कत नहीं है फिर डेटिंग ऐप के जरिए मिलना किस तरह गलत हो सकता है रश्मि के डेटिंग ऐप वाली बात सुन उसकी हैरान सास तुरंत तुनक कर पूरे घर को सिर पर उठा लेती है जिसकी आवाज सुन अमर और उसके पापा भी वहां आ जाते हैं हाय मेरी माता इतना बड़ा झूठ डेटिंग ऐप को इंटरनेट के जरिए मिली है बोलकर इस कल मुही को मेरे सर ला बिठा दिया अरे ना नासपीटी तुझे जरा भी शर्म नहीं आई वहां न जाने कितने लड़कों से गुलगुलु गुलगुलु करके ए तुझे मेरा ही लड़का मिला था फसाने के लिए मॉम मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या बोले जा रही हो डेटिंग ऐप इस्तेमाल करना कोई अपराध नहीं है और तुम रश्मि को ऐसा कैसे बोल सकती हो मैं भी तो था उस ऐप पर पहले उसके लिए माँ से झूठ बोला और अब लड़ाई कर रहा है सास और अमर की बात सुनकर रश्मि हैरान खड़ी रहती है अमर तुमने घर में झूठ क्यों बोला ये सब देख रही हो ना इसी की वजह से झूठ बोलना पड़ा एक तरफ अमर और रश्मि की यह बात चल रही होती है वहीं दूसरी तरफ सास का नॉन स्टॉप क्लेश सबको परेशान कर देता है सब एकदम चुप जो हुआ सो हुआ अब मुझे कुछ ना सुनाई दे पति की बात सुन सास चुप होकर वहां से चली जाती है लेकिन अब वो रश्मि के सिर दुनिया भर के सारे काम डालकर उसका जीना पहले से भी ज्यादा मुश्किल कर देती है मम्मी मैं आपका गुस्सा समझ सकती हूँ आपको जो करना है कर लीजिए मैं कभी कुछ नहीं बोलूंगी उम्मीद है किसी दिन तो आपका गुस्सा शांत होगा और नफरत प्यार में बदलेगी रश्मि की अच्छाई को उसका नाटक समझकर सास गुस्से के सातवें आसमान पर चढ़ जाती है और उसी शाम रश्मि को नीचा दिखाने के लिए अपनी सहेलियों को घर बुलाकर उसकी बुराइयां करने लगती है अरे कौशल्या क्या बताऊं आजकल के बच्चे ना बहुत एडवांस हो गए हैं पहले रिश्ते घर परिवार वाले सब देख परख के कराते थे और अब ये लोग खुद न जाने कहा मिलकर खुद ही सब कुछ पक्का करके हमें बता देते हैं लड़की का कैसा दिन धर्म कैसा ईमान कैसा चरित्र कुछ नहीं पता बस प्यार किया और घर ला कर बिठा देते हैं अरे ऐसा क्यों बोलती हो आजकल बच्चे अपने आप में बहुत समझदार हो गए हैं और फिर पूरी जिंदगी तो उन दोनों को ही साथ निभानी है अपनी पसंद से शादी कर भी ले तो क्या दिक्कत तू ही देख ले पहले इतना अच्छा बेटा और अब सोने पर सुहागे जैसी सर्वगुण संपन्न पहु और पता है अभी कुछ दिन पहले मेरी बेटी ने मुझे डेटिंग ऐप के बारे में बताया जहाँ लड़का लड़की अपनी पसंद से अपने आप एक दूसरे को चुन लेते हैं और फिर अगर सब सही रहता है तो बात आगे भी बढ़ जाती है अरे इसमें इतना खुश होकर क्या बता रही हो ये तो गलत है न जाने कौन क्या है कितना झूठ कितना सच है अरे पर सोचो जब तुम किसी के बताए रिश्ते को देखने जाते हो तो क्या एक ही बार देखने से सच झूठ का पता लगा सकती हो जरूरी नहीं कि बच्चों का लिया फैसला हमेशा गलत हो अरे बहुत बार हमसे भी तो गलत फैसले होते हैं ना अच्छे बुरे लोग तो हर जगह मिल सकते हैं फिर इसमें सिर्फ बच्चे ही गलत कैसे सहेलियों की बात सुन सास सोच में पड़ जाती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं जिसमें ना तो वो रश्मि को परेशान करती है और ना ही कोई ताना सुनाती है जिसे देख रश्मि परेशान हो जाती है मम्मी आपकी तबियत तो ठीक है ना कुछ दिनों से देख रही हूं आप मुझे कुछ बोलती ही नहीं तो मेरा परेशान करना ज्यादा अच्छा लगता है क्या नहीं आपकी शांति उससे ज्यादा परेशान कर रही है शांति इसलिए है क्योंकि मुझे एहसास हो गया है की गलत तुम लोग नहीं मेरी सोच है प्यार तो एक सुंदर एहसास और शादी खूबसूरत साथ है अगर ये साथ सच्चा है तो कहीं पर भी किसी भी तरह जुड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन है इतनी अच्छी बातें मेरी पत्नी तो नहीं बोल सकती <laughs> क्या आप भी <laughs>